गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 दिष्टया गोग्रहणम स्वंतम पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझाया था कि भट मतलब सोल्जर विराट किंग के पास आता है और गुड न्यूज देता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया है और उसे किसने पकड़ा है, बल्लभ ने पकड़ा है जो कि भीम है। अब राजा कहते हैं तेन ही सत्प्रत्य प्रवेशताम अभिमन्यु, ग्रहण लले प्रवेशताम अभिमन्यु। अब यहाँ पर वो कहते हैं राजा कि देन डिड द अभिमन्यु बी द ब्रॉड इन हैविंग द ट्रीटेड हिम विद ग्रहण लल्ला पिंग। वो ये कहते हैं कि ठीक है, उसी आदर सत्कार सहित अभिमन्यु को लेकर आए और ग्रहण लल्ला को कहते हैं, ग्रहण लल्ला कौन है, अर्जुन। वो कहते हैं ग्रहण लल्ला को कि तुम उसे लेकर आओ, अभिमन्यु के साथ आप भी आओ। ग्रहण लल्ला कहते हैं यद आज्ञापयति महाराजा निष्कान्तः। वो कहते हैं व्हाट एवर हिज मजेस्टीज ऑर्डर। वे कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, जैसे महाराज की आज्ञा है, निष्कान्तः और चले जाते हैं। अब अभिमन्यु को लेने के लिए कौन गया है, अर्जुन, जो कि ग्रहण लल्ला के नाम से विराट नगर में रह रहा था। तथा प्रविशति अभिमन्यु ग्रहण लल्ला वल्लभ। अब क्या होता है, कौन एंटर करता है, अभिमन्यु ग्रहण लल्ला और वल्लभ, मतलब अभिमन्यु अर्जुन और भीम। वह क्या करते हैं, अभिमन्यु को लेकर आते हैं ग्रहण लल्ला मतलब अर्जुन। अब अर्जुन क्या कहते हैं, इधर कुमार अभिमन्यु। वह अभिमन्यु को देखते हैं क्योंकि अभिमन्यु किसका सन है, वह है अर्जुन का ही पुत्र है, बट वो अपना रूप बदल कर विराट नगर में रह रहे थे, इसलिए अभिमन्यु क्या करता है, अर्जुन को पहचान नहीं पाता है। ग्रहण लल्ला अभिमन्यु से कहता है पिता इधर कुमार अभिमन्यु। वो कहते हैं हेयर माय दिस साइड ओ प्रिंस अभिमन्यु, ओ राजकुमार तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर साइड में आओ। अब अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम कथम अभिमन्यु नाम बहुकी नाभी अभिष्यांति क्षत्रिय अत्र। अब अभिमन्यु सरप्राइज होता है, वो ये कहता है कि डिड यू द इंडीड से अभिमन्यु, अरे ये अभिमन्यु मुझे कैसे पुकार रहा है, कैसे कह रहा है अभिमन्यु कथम अभिमन्यु नाम अहम। वो ये कहता है हम कम, कैसे ये मुझे बुला रहा है, आई अभिमन्यु। वो कहता है हाँ मैं अभिमन्यु ही हूँ। वो किम नाम से अभिष्यांति क्षत्रिय अत्र, तुम मुझे किस तरह से जानते हो, तुम मेरा नाम किस तरह से जानते हो, क्या आप भी एक क्षत्रिय हो। ग्रहण लल्ला, ग्रहण लल्ला कौन है, अर्जुन। अब अर्जुन क्या कहता है, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जन्मे। अब वो अभिमन्यु से पूछता है कि व्हाट वाज डिड यू से माय मदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो उनसे क्वेश्चन पूछता है ग्रहण लल्ला कि अभिमन्यु तुम्हारी जननी कैसी है, मतलब तुम्हारी मदर कैसी है, तो अभिमन्यु सरप्राइज होता है और कहता है कि व्हाट डिड यू से माय मदर, तुम कैसे कह रहे हो मेरी मदर के बारे में, तुम कैसे जानते हो और तुम मेरे बारे में भी बोल रहे हो कि मैं अभिमन्यु हूँ और ये भी पूछ रहे हो कि तुम्हारी जननी कैसी है, तो आप मेरी मदर को कैसे जानते हो। अब देखिए इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।